बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा प्रोजेक्ट है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम यूजिंग 555 टाइमर एंड 4017 शिफ्ट रजिस्टर। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको आपने प्रोटीएस 7 पे ओपन कर लेना है। सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 555 टाइमर यूज़ किया हुआ है क्लॉक जनरेट करने के लिए। इसके बाद एक 4017 शिफ्ट रजिस्टर आईसी यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 4148 डायोड यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद एलईडीज़ यूज़ की हुई हैं। इसके बाद 100 ओम की रेजिस्टेंसें यूज़ की हुई हैं। और यहाँ पर क्लॉक की इंडिकेशन देने के लिए एक एलईडी यूज़ की हुई है, 100 ओम की रेजिस्टेंस यूज़ की हुई है। और इसके बाद एक कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है 100 यूएफ का। इसके बाद 100 के की वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ की हुई है। इसके बाद 7 नंबर पिन को पुल अप करने के लिए 10 के की रेजिस्टेंस यूज़ की हुई है। 555 की आउटपुट 4017 की क्लॉक पिन के साथ अटैच की हुई है। तो 4017 की 10 आउटपुट होती हैं Q0 से लेके Q9 तक। तो जैसे हम शिफ्ट रजिस्टर को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो Q0 वाली पिन हाई होती है, और जैसे जैसे 14 नंबर पिन पे क्लॉक जनरेट हो रही होती है, वो उसी कंडीशन के ऊपर आउटपुट नेक्स्ट पिन पे शिफ्ट होती जा रही होती है। यहाँ पर हमने Q0 से Q3 पिन यूज़ की हुई है रेड LED को ऑपरेट करने के लिए, और इसके बाद Q4 येलो और रेड दोनों को ऑपरेट करने के लिए यूज़ की हुई है। और इसके बाद Q5 से Q8 तक ग्रीन LED ऑपरेट करवाई हुई है, और Q9 से येलो LED ऑपरेट करवाई हुई है। और यहाँ पर हमने रिवर्स बायसिंग के लिए डायोड यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि हमारे IC की एट अ टाइम 1 पिन हाई होती है। और जैसे कि हमने ये रेड LED के लिए 4 पिनें यूज़ की हुई हैं, विदाउट डायोड के इन चारों पिनों को आपस में मिला देंगे तो उस कंडीशन के ऊपर क्या होगा कि यहाँ पर एट अ टाइम 1 पिन हाई होती है तो बाकी पिन लो होंगी, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस कंडीशन के ऊपर IC की पिन डैमेज हो जाएगी। चलिए अब सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो 555 ने क्लॉक जनरेट करना शुरू करती है, और यहाँ से शिफ्ट रजिस्टर जैसे जैसे क्लॉक इन मिलती है आउटपुट नेक्स्ट पिन पर शिफ्ट होती जा रही होती है। Q9 से नेक्स्ट पल्स पे 0 पे शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमने Q0, Q1, Q2, Q3 रेड LED ऑपरेट कराने के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद Q4 रेड और येलो दोनों के लिए यूज़ की हुई है। और इसके बाद Q5, Q6, Q7, Q8 ग्रीन LED के लिए यूज़ की हुई है। और इसके बाद Q9 येलो LED के लिए यूज़ की हुई है। और यहाँ से हम इसका टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। उसके बाद 4007 डायोड यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 100 के की वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ की हुई है। इसके बाद एक 10 के की रेजिस्टेंस यूज़ की हुई है। इसके बाद 555 टाइमर IC यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 100 UF का कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 1 के की रेजिस्टेंस और ब्लू LED यूज़ की हुई है। इसके बाद CD4017 शिफ्ट रजिस्टर IC यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 4148 डायोड यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद 100 ओम की रेजिस्टेंसें यूज़ की हुई हैं। इसके बाद रेड येलो ग्रीन LEDs यूज़ की हुई हैं। इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है 100 UF का। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।